जागो जगत
चलो खुद भी जागू जगत को जगाता चलो। Yeah.
हमारा देश फूले फले, के प्यारा देश फूले फले, प्यारा देश फूले फले। दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा, दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा, त्राही माम त्राही माम जग में नाचेगा, त्राही माम त्राही माम जग में नाचेगा। दुखों की बदली दो टार हमारा देश फूले फाले, दुखों की बदली दो टार हमारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले, की प्यारा देश फूले फाले। चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी, चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी, इन्हीं को निहारने की ओर मच जाएगी, इन्हीं को निहारने की ओर मच जाएगी। होगी बेबसी में तेरी ही पुकार हमारा देश फूले फाले, होगी बेबसी में तेरी ही पुकार हमारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले, प्यारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले, की प्यारा देश फूले फाले। धार्मिक सामाजिक राजनीतिक परिवार तन, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक परिवार तन, आर्थिक दिशाओं से मचेगा जब क्रंदन, आर्थिक दिशाओं से मचेगा जब क्रंदन, याद आएंगे प्रभु बारंबार हमारा देश फूले फाले, याद आएंगे प्रभु बारंबार हमारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले, प्यारा देश फूले फाले। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं, पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं, बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं, बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं, क्षमा करना हमें सरकार हमारा देश फूले फाले, क्षमा करना सरकार हमारा देश फूले फाले, के प्यारा देश फूले फाले, की प्यारा देश फूले फाले।
गुरुदेव आप सन्मुख मिलेंगे। बोलो जय गुरुदेव आप सन्मुख मिलेंगे। बोलो जय गुरुदेव समाल दुख दर्द सब हारेंगे। रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे। हमारा देश फूले फाले। अब हम अपने पथ प्रदर्शक परम पूज्य गुरु जी महाराज से उनके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रेमी लोग जो आए हुए हैं सम्मान समारोह में, इस धर्ममय सम्मान समारोह की शुरुआत शुभारंभ हमारे बीच उपस्थित हमारे पथ प्रदर्शक हमारे आराध्य परम पूज्य बाबा उमा कांजी महाराज जो कि अग्रणी लोकतंत्र रक्षक हैं, तो उनसे उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि मंच पर आकर के इस आयोजन की शोभा को आने की कृपा करेंगे। परम पूज्य गुरुजी महाराज,
आप लोग सब स्थान ले लेंगे, शांति और प्रेम के साथ आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ करके इस आयोजन की शोभा को बढ़ाएंगे, आपसे ये प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, वक्त का जगाया हुआ नाम, जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुजी महाराज के पावन चरणों में कोट कोट नमन करते हुए हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि माननीय श्री ददन मिश्रा जी से ये प्रार्थना करेंगे कि आज के हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य गुरुजी महाराज, जो अग्रणी लोकतंत्र रक्षक हैं, उनको माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लेने की कृपा करेंगे। इसके बाद विधायक श्री केदारनाथ शुक्ला जी से हमारा अनुरोध है श्री रामफिरन पांडे जी, विधायक साहब से हमारा अनुरोध है कि परम पूज्य गुरुजी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद बाबा जय गुरुदेव व्यापारी संगत की तरफ से डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से हम प्रार्थना करेंगे कि मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। बाबा जय गुरुदेव अधिकारी संगत की तरफ से श्री बजरंगी भट्ट साहब से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी कृपया परम पूज्य मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। बाबा जय गुरुदेव किसान संगत की तरफ से श्री ओम प्रकाश शुक्ला जी से हम अनुरोध करते हैं कि बाबा जय गुरुदेव किसान संगत की तरफ से परम पूज्य गुरुजी महाराज का स्वागत आप करेंगे। इसके बाद में आप आए हुए समस्त लोकतंत्र रक्षक महानुभावों की तरफ से हम हमारे बीच में श्री श्याम मनोहर तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर भी मौजूद हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि परम पूज्य गुरुजी महाराज का आप भी मंच पर स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि परम पूज्य गुरुजी महाराज का स्वागत करते हुए माल्यार्पण करते हुए अब हम अपने
लोकतंत्र रक्षक महानुभावों की तरफ से, समस्त लोकतंत्र रक्षक महानुभावों की तरफ से हमारे अग्रणी आदर्श और आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य गुरुजी महाराज का श्री नसीर खान साहब माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। मोहतरम नसीर खान साहब, जो जिनकी उपस्थिति सीतापुर जनपद से हम लोगों के बीच में हुई है, परम पूज्य गुरु महाराज का स्वागत करने के लिए मंच पर जाते हुए अब हमारे बीच में जो लोकतंत्र रक्षक महानुभाव आप लोग आए हुए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए सभी प्रेमी उत्सुक हैं, बैठे हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए हमारी संगत के मुख्य जिम्मेदार श्री राजवीर सिंह, श्री संतोष सिंह, श्री मंगूलाल जी, श्री केशव देव तिवारी जी, श्री मासा प्रसाद मौर्य जी, श्री शिव भूषण वर्मा जी, जग्गूराम आर्य जी, श्री आनंद प्रकाश अवस्थी जी, डॉक्टर आर वी सिंह जी, श्री आज्ञाराम तिवारी जी, श्री जय कुमार पाठक जी, श्री आर पी त्रिपाठी जी, श्री ददन गुप्ता जी, श्री टी एन पांडे जी, आप लोग तैयार रहेंगे, हम आप उनको मेडल और स्मृति चिन्ह आप उनको प्रदान करें। उससे पहले हमारे आए हुए सम्माननीय लोकतंत्र रक्षक महानुभावों का मैं एक बार नाम पढ़ करके आप सब लोगों को अभी सुना देता हूँ। श्री गंगाराम जी, श्री राजकुमार मिश्रा जी, श्री केशवराम पाठक जी, श्री संतराम त्रिवेदी, श्री नरेश चंद शुक्ला जी, श्री भगवान वक्स सिंह, श्री राधेश्याम मिश्रा, श्रीमती मोहिनी देवी, श्री राजकुमार सिंह, श्री हरदयाल जी, श्री रामकिशन, श्री धमूलाल पाल साहब, श्री संतराम शुक्ल, श्री जैनेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री छोटेलाल जी, श्री गजराज, श्री कृष्ण कुमार, श्री ठाकुर प्रसाद, श्री शिवरतन, श्री महेश, श्री शंकरलाल, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री नसीर खान साहब, मोहतरम अली अहमद, श्री प्यारेलाल, श्री प्रेम किशोर मिश्र, श्री राजाराम, श्री खेरूलाल, श्री राम अवतार, श्री सियाराम, श्री राम खिलावन जी, श्री प्रेमचंद जी, श्री प्रहलाद जी, श्री भरत राम जी, श्री अंबिका प्रसाद सिंह जी, बहन कृष्णा सिंह, श्री परशुराम, श्री इंद्रपाल सिंह, बहन सत्यवती मिश्रा, श्री लल्लू राम जी, श्री सहज राम, श्री हरद्वारी लाल, श्री बलराम मौर्य, श्री हनुमान जी,
श्रीमती पार्वती, श्री अरुण कुमार, श्रीमती मालती, श्री मनीराम, श्रीमती ममता गुप्ता, श्रीमती साधना, श्री चतरी, श्री बुधराम, सुभद्रा मौर्या जी, श्री राम खिलावन, श्रीमती प्रेमा देवी, श्री राजित राम, श्रीमती उषा देवी, श्री जयराम वर्ज, श्री राजसुमरन, श्रीमती प्रेम कुमारी, श्री लल्लू प्रसाद, श्री राम कलावर मिश्र, श्री राम हरक, श्री राम सवोज। हमारे बीच जो माताएं बहनें लोकतंत्र रक्षक आई हुई हैं, उनके स्वागत के लिए बहन विमला जी, बहन विमला अग्निहोत्री जी और श्रीमती ममता, ये बहनों का आप स्वागत करेंगी। श्री सुशील कुमार वर्मा, श्री हरिनाम, श्री केदारनाथ अवस्थी, श्रीमती शांति देवी, श्री गोकरण प्रसाद, श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री रामनाथ, श्री कन्हैयालाल, श्री राम सनेही, श्री सुखदेव प्रसाद विश्वकर्मा, श्री रामपाल रावत, श्रीमती रामपति, श्री शंभूलाल, श्री कन्हैयालाल, श्री राम तीरथ, श्री प्यारेलाल, श्री रामदीन, श्री मुनेश्वर प्रसाद, श्री कुशीराम जी, श्री राधेलाल जी, श्री जुगनू, श्री दयाशंकर और महंत जी, श्री हनुमान शरण पांडे, श्री रामवरण, श्री राम सूरत, श्री राम सहाय, श्री अयोध्या प्रसाद, श्री रामपूरत वर्मा, श्री भरतलाल, श्रीमती देव कुंवर, श्री रामानंद, श्री आनंद प्रकाश, श्री राम लोटन, श्री पाटन दीन, श्री राम रामलोटन पाटन दीन, श्री रामानंद जी, श्री राम सबद गुप्ता जी, श्रीमती अनारी जी, श्री मुन्ना लाल जी और श्री रविचंद त्रिपाठी जी। श्री जगराम यादव, श्री कन्हैयालाल, श्री अज्ञाराम, श्री बरसाती, श्री जुगीलाल, श्री मेवालाल, श्री अयोध्या प्रसाद, श्री जगराम, श्री रामानंद, श्री सूर्यलाल, श्री चंदका प्रसाद वर्मा, श्री धीराव प्रसाद, श्रीमती दुलारी, श्री गुरुचरण, श्री सूर्यलाल, श्री घनश्यामलाल शुक्ल, श्री कन्हैयालाल गुप्ता, श्रीमती हीरा देवी, श्री ठाकुर प्रसाद जी, श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती सुघना, श्री रामचरण चौधरी प्रसाद हेमर, श्री धनी राम गुप्ता, श्री राधेश्याम शुक्ला, श्री शेर बहादुर सिंह आजाद, श्री संतराम, श्री रामचल गुप्ता, श्री मिश्रीलाल, श्री धारूचरण, श्री देशराज मौर्य, श्री सियाराम जी, श्री परशुराम जी, श्री अनुरथ प्रसाद, श्री निधर सिंह, श्री वीरेन सिंह, में उनकी दयामय उपस्थिति में बाबा जय गुरुदेव सप्त योग विकास संस्था लखनऊ की तरफ से आप सभी
लोकतंत्र। परम पूज्य गुरु महाराज की गरिमा में उपस्थिति में इसी प्रकार का एक भव्य लोकतंत्र रक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। परम पूज्य गुरु जी महाराज से जो कि स्वयं एक आदर्श और अग्रणी लोकतंत्र रक्षक हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे प्रार्थना की गई। समाज और देश में जो लोकतंत्र रक्षकों की भूमिका रही है उसको आने वाली पीढ़ी भुला न दें, हमेशा प्रेरणा लेती रहें। इसके लिए परम पूज्य गुरु महाराज की दया से ये आयोजन उत्तर प्रदेश में भी करने का मन बनाया गया। और प्रेमी इस सब के साक्षी आज बन रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य गुरुजी महाराज जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आराध्य हैं, उनका लोकतंत्र रक्षक के रूप में सम्मान करने के लिए हम हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय श्री दद्दन मिश्रा जी से निवेदन करेंगे कि परम पूज्य गुरु जी महाराज को स्मृति चिन्ह और मेडल भेंट करें। लोकतंत्र की रक्षा के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए लोगों में राष्ट्रभक्ति का विकास कैसे किया जाए, समाज में मानवता, देशभक्ति, खुदापरस्ती यानी ईश्वरवादिता और माता पिता की सेवा के द्वारा मातृ पितृ भक्ति के माध्यम से चरित्र को ऊंचा रखकर समाज के हर तबके का मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में हमारे लोकतंत्र रक्षक महानुभावों का क्या योगदान हो सकता है। इसके साथ ही अपने बच्चों, परिजनों को कैसे सेवाभावी देशभक्त बनाया जाए जिससे एक जागरूक समाज और जीवंत लोकतंत्र की रक्षा हो सके, इसके लिए हम लोकतंत्र रक्षक महानुभावों से कुछ महानुभावों को इन विषयों पर विचार रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें सर्वप्रथम श्री हरिओम अवस्थी जी नोएडा से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे ये उपरोक्त विषयों पर अपने संक्षिप्त विचार रखकर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज का स्मरण, उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरु महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भक्त के जानशीन संत सतगुरु परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वालों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश में चलने वाले, उनके संकेत में चलने वाले हमारे सभी गुरु प्रेमी साधक भाई सत्संगी तथा अन्य भाई बहन अन्य धर्म प्रेमी, हम और आप सबको सादर नमन करते हुए अब आपसे इधर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आज जिस सम्मान समारोह के माध्यम से आपको बहुत बड़ा और कुछ मिल चुका है उसे दृष्टिगत रखते हुए ही इस समारोह सम्मेलन को भी अपने अंदर आप उतारेंगे।
लोकतंत्र रक्षक सम्मान समारोह आज आप देख रहे हैं, ये उन्हीं सेनानियों का सम्मान समारोह परम पूज्य महाराज जी की कृपा, उनके संकेत, उनकी अनुमति से संगत ने आयोजित किया है, बुलाया गया सबको। अब इतना ही कहना है केवल प्रेमियों, आप सब इसके सहभागी हैं, हम क्या सम्मान चाहेंगे किसी से, हम आप तो गुरु प्रेमी थे, गुरु प्रेमी हैं और गुरु प्रेमी रहेंगे। लेकिन ये बात बराबर हमको आपको याद रखनी है, जिन गुरु महाराज से हमने आपने प्रेम किया है, उन गुरु महाराज के रास्ते पर चलते हुए, उनके दिशा निर्देश में चलते हुए, आज जिन महापुरुष के साथ हम आप निरंतर अपनी गति बनाए हुए हैं, इसकी रफ्तार धीमी न होने पाए। लोकतंत्र रक्षक का एक सहारा, एक नाम है, लोकतंत्र की रक्षा हम आप करने लायक कब थे, ये तो शक्ति गुरु महाराज ने प्रदान की थी और उसी शक्ति के कारण आपको वो बल मिला था। ज़्यादा समय न लेकर एक छोटा सा संस्मरण आपको याद कराते हुए, क्योंकि जहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए उस समय पर सन 1975 में देश के तमाम लोग जेलों के अंदर बंद किए गए थे, उनको शारीरिक पीड़ाएं यातनाएं दी गई थीं, एक दल, एक समाज, एक व्यक्ति की बात नहीं, एक मजहब, एक धर्म की बात नहीं है, उस समय सारा देश ऐसे कुछ लोगों के द्वारा पीड़ित किया जा रहा था जिसकी चर्चा आप सुन चुके। उसे नहीं केवल इतना देखना है कि इस अवसर पर हमें अब जो देने जा रहे हैं परम पूज्य महाराज जी, हम आप उसे लें। हमारे गुरु महाराज ने इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो काम किया, अगर लोग उन्हें भूल जाएंगे तो आने वाला इतिहास क्या कहेगा। ये लोकतंत्र रक्षक समारोह इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण बनेगा कि केवल लोकतंत्र रक्षक पैसे पेंशन के भूखे ही नहीं थे, केवल उसी से प्रसन्न नहीं थे और ना उससे प्रसन्न हैं। सम्मान जो दिया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि जो आपने कार्य किया और जिसकी वजह से किया, उन्हें भूलना नहीं है। महीनों जेल में अंदर बेड़ियों और हथकड़ियों में रहकर परम पूज्य गुरु महाराज ने कैसे इस लोकतंत्र की रक्षा का सम्मान करने का आपको जज्बा दिया था। छोटा सा संस्मरण, परम पूज्य गुरुजी महाराज बरेली सेंटर जेल में उस समय थे, जहां बरेली सेंटर जेल में हम प्रेमी जाकर के गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया करते थे। एक दिन परम पूज्य गुरु महाराज का अंदर से संदेश मिला, बच्चा कुछ पीड़ा हो गई है, दवा बना के भेज दो। दवा बना के क्या भेजनी थी, उनका ही निर्देश था, वही दवा बना के भेज दी गई। और अगले ही दिन दूसरा संदेश मिलता है कि बच्चा, वो पीड़ा खत्म हो गई। इसलिए आपको याद करा रहा हूं, जिस बल पर यह काम किया है, इस बल को प्रेमियों कभी भूलना नहीं। जिन गुरु महाराज ने शक्ति दी थी, जो उसे आप पकड़ो, कैसे हम आप रक्षक बने, उसका प्रमाण परम पूज्य गुरु महाराज ने जब 23 मार्च दिल्ली को तिहाड़ जेल से निकले तो आपके बाराबंकी के लंका मैदान में खुले मंच पर दिया। पहले प्रबोधन में ही, पहले संबोधन में गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम क्या जानोगे ये मेरे पीछे जेलों में क्यों गए थे, ये मेरे पीछे क्यों दौड़ते हैं, तुम्हें क्या पता। अरे उनको कहीं गठिया होता है। जब गुरु महाराज का ये संबोधन सुना तो जिनको लगाव था वे जुड़ गए। स्मरण कराया कि देखो किस तरह से हमारी आपकी रक्षा हुई। उसी बाराबंकी मैदान में पहले पहुंचे गुरु महाराज और इसी बाराबंकी के ही छोटे छोटे 6-6 साल के बच्चों को जब रौंदा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके पीठ पर बूट जूते चल रहे थे, तो उस समय बरेली सेंटर जेल का हाल हम आपके सामने वो रखना चाहते हैं जो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय भवानी सिंह गौतम जी, जो हमीरपुर के थे, उन्होंने बताया था। वहाँ से निकलने के बाद स्वामी जी महाराज तो बाद में, वो पहले ही निकल के आए थे, तो उन्होंने उस रात का बयान किया कि एक दिन रात को गुरु महाराज अपनी आसन शयन शैया पर झुके हुए, अपनी नाक को जमीन पर लगाए हुए घंटों बैठे रहे। उनका कहना था कि मुझे सौभाग्य से परम पूज्य गुरु महाराज की सेवा का अवसर मिला, जब मैंने देखा स्वामी जी महाराज ऊपर नहीं देख रहे हैं तो मैंने प्रार्थना की, गुरु महाराज, गुरु महाराज। तब स्वामी जी ने कहा, हाँ बच्चा क्या हुआ। कहने लगे, हुजूर आप ऐसे क्यों बैठे थे। कहने लगे, ये मत पूछो।
कहा नहीं आपको बताना होगा। तो गुरु महाराज ने कहा बता दूंगा, हजम कर लोगे? कहा जैसी आपकी आज्ञा है। कहने लगे देखो जेलों में मेरे आह्वान पर, मेरी एक आवाज पर आज असंख्य प्रेमी जाने के लिए थानों में पहुंच गए, कचहरियों में पहुंच गए, उन पर लाठी डंडे चल रहे हैं, उन पर मुगदर बसराया जा रहा है, उन पर जूते चल रहे हैं। तो मैंने सोचा लाओ अपनी पीठ उसमें लगा दी, अगर मैं पीठ ना लगाऊंगा तो वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस लोकतंत्र के संग्राम में इतना बड़ा काम गुरु महाराज ने अपने इन छोटे छोटे प्रेमियों के द्वारा करवाया, अगर हम आप इसको याद रखोगे तो कभी भी गुरु प्रेम की चर्चा से, गुरु श्रद्धा से हम आप अलग नहीं होंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिल्कुल सही कहा महानुभाव जी, क्योंकि जो देश के लिए, समाज के लिए आपने सभी सुखों को त्याग कर जेलों की तरफ प्रस्थान कर दिया था, आप किसी सम्मान के मोहताज नहीं हो। बिल्कुल वास्तविक ये प्रेरणा देने वाले वचन हमको मिले। इस कड़ी में हम आगे श्री विश्राम सागर जो लखनऊ से हमारे बीच में हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो भी मार्गदर्शन स्वरूप हमको दो सब संक्षेप में सुनाने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आदरणीय हमारे सभा में बैठे हुए परम पूज्य स्वामी गुरु महाराज जी माँ कांत तिवारी जी उज्जैन के, उनके नतमस्तक पर हमारे देश से आए हुए लोकतंत्र सेनानी रक्षक की तरफ से कोट कोट प्रणाम। बड़ी आज जो है बड़े हर्ष का विषय है जो कि हम सब लोग लोकतंत्र सेनानी इस पावन भूमि पर, श्रावस्ती की धरती पर आए हुए हैं और अपने जो लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में भाग लिए हैं सारे लोग, और सब गुरु महाराज के पूजनीय हैं। हम सब लोगों की तरफ से गुरु महाराज को कोट कोट प्रणाम स्वीकार करते हैं। आज जो है ये काफ़ी दिनों से जो है चर्चाएं चल रही थी गुरु महाराज जी, हमारी संस्थाएं जो हैं, एक तो लोकतंत्र सेनानियों की जो संस्थाएं हैं, हम सभी जो है प्रेमी जनों से ये मांग करते हैं कि जो संस्थाएं हैं काफ़ी बिखरी हुई हैं, सात संगतें चल रही हैं, तो ये संगत जो है एक होनी चाहिए। जो संगत सेनाएं, जो संगत की सेनाएं चल रही हैं समिति के नाम से, रक्षक के नाम से, लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद के नाम से, ये हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस संस्था को एक जो है संस्था बनाई जाए और उसको जो है संगत के अनुसार सारे जो है प्रचार और प्रसार में रखा जाए। एक तो पहली मांग मेरी यही है, इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज से भी प्रार्थना करूंगा कि इसकी भी जो है एक चर्चा जो है हो जाए तो बड़ी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि जो है बिखरे हुए लोग को एक में लाना है, सभी संगत के प्रेमी जनों से अनुरोध है कि सब लोग मिलकर की एक रास्ता से चलें, कहीं जो है सीतापुर की संगत, कहीं तो रतनलाल बाबा की संगत, कहीं तो जो है मथुरा की संगत, ये सब संगताएं भी अलग अलग चल रही हैं। तो कुछ कहने का बात तो यही है कि जो है संगताएं अलग अलग होती हैं, हमें तो अपने गुरु से मतलब है, हैं गुरु को जो हम जो हमको गुरु जी जीता जगाता नाम दिया है हमको, तो उससे मतलब है, बाकी जो है जो चल रही है उसको चलने दीजिए, क्या किया जाए भाई,
संगतें तो अलग अलग हैं, गुरु महाराज की कृपा है, अगर वो आ जाएंगे तो आ ही सकती हैं। बाकी लोकतंत्र के जो है रक्षा के लिए जो हम लोग जो है 75 और 76 में जो हैं 25 जून 76 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके लिए जो है हम लोगों को उस समय ऐसी मुसीबतों को झेलना पड़ा था कि जो है कहीं एक एक साथ के घरों में छापे पड़ रहे हैं, लोगों को अकारण ही बंद कर देते हैं और इमरजेंसी लगाई गई उसके विरोध में जो है संगत के लोग जो है काफ़ी प्रसार प्रचार के करते हैं, लेकिन उनके पीछे भी कुछ मंशाएँ थी। हम जा रहे हैं पूरब तो निकल रहे हैं पश्चिम, और पीछे पीछे जो पुलिस फोर्स आ रही है हम लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन हमारी गुरु महाराज की कृपा ऐसी थी कि जब हम पूरब जा रहे हैं तो पुलिस जो संस्था है जो पश्चिम को पकड़ रही है, तो इस उद्देश्य से हम लोगों को इतना बच के काम किया उस समय और इस लोकतंत्र के बचाने के लिए सफल रहे और गुरु महाराज के आदेश का पालन करते रहे। तो इस समय से जो है पूरी प्रदेश की सारी जेलें स्वामी महाराज के सत्संगियों से खचाखच भरी थी। लगी बात जो है संगत के अलग अलग थे, हम तो लखनऊ के रहने वाले थे, हमारी संगत में जो है हम लोग 30 लोग एक साथ तो जत्था बना करके मोहनलालगंज तहसील में गए और वहीं से जो है सिलेंडर किया, लेकिन फिर भी उसमें गुरु महाराज की कृपा ऐसी थी कि पीछे पीछे जो है पुलिस भी लगी थी और आगे हम लोगों की रक्षा करने वाले गुरु महाराज भी थे। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जैसे कि जगह जगह थी मिसाइल DIR में भी बंद थे और क्या कहते हैं कि आपातकाल में जो है नसबंदी वगैरह जो भी इंदिरा गांधी जो भी ऐसी ऐसी समस्याएं दूर कर दिया लगा दिया कि नसबंदी जबरदस्ती करा दिया लोगों को, एक तो जो है नाबालिग लोगों को पकड़ के इस तरह समय का अभाव तो उस हिसाब से जो है नसबंदी के उस समय 3 दलाल थे इंदिरा संजय बंसीलाल। समय का अभाव है मान्यवर। जय गुरुदेव महाराज की कृपा से जो है अब मैं आगे से कुछ बोलने के लिए जो है बहन लग रहा है, तो गुरु महाराज की दया से मैं अब जो है अपने भाषण को समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। बड़े अच्छे विचार हमको सागर साहब के मिले। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के हुक्म आदेश में आप लोगों ने जेलों में तमाम प्रकार की यातनाएं सही, आपने वो स्मरण याद दिलाए और आज आप इस बात के साक्षी बने कि वर्तमान में इस देश के महापुरुष के द्वारा ही आपकी पुनः सम्मान देने के लिए याद किया गया, तो ये भी एक गुरु के द्वारा ही ये नेक काम हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। अब इसी कड़ी में हम श्री मोहतरम नसीर खान साहब से आकर के जय गुरुदेव ही बोल दीजिएगा तो भी स्वीकार है साहब, आपका लोग दर्शन कर लेंगे। जय गुरुदेव। बिल्कुल साहब, मौन में बड़ी ताकत होती है, भाव अंदर छुपे हुए होते हैं, हम आपके आगे नतमस्तक हैं। इस कड़ी में अब हमारे बीच में माननीय श्री कन्हैयालाल गुप्ता जी मौजूद हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि संक्षेप में अपने इन विषयों पर संस्मरण सुनाकर हम लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का कल्याणकारी नाम गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य जीवों के उद्धारकर्ता दुखहर्ता उज्जैन के बाबा जी महाराज, साथ ही साथ लोकतंत्र रक्षक उज्जैन के बाबा जी महाराज एवं परम सम्मानीय लोकतंत्र रक्षक तथा आदरणीय सभी गणमान्यजन
एवं गुरु भाई बहनों को सबको सादर जय गुरुदेव। आज गुरु महाराज की अपार दया कृपा से लोकतंत्र रक्षक सम्मान समारोह हो रहा है। ये लोकतंत्र रक्षक सम्मान समारोह उस इतिहास को याद करा रहा है कि जब भी धरती पर मानवता खत्म होती है, इंसानियत खत्म होती है, अमानवीय व्यवहार धरती पर होने लगती है, तब ऐसे समय पर धरती के से ही धरती के माईलाल जन्म लेकर के और देश के नवयुवकों में देश की भक्ति का एक भाव जगा करके और हमेशा देश की रक्षा किया है। ऐसे ही कड़ी में जब देश में 1975 में आपातकाल लगा, जो परिस्थितियां देश में थी अधिकांश बुजुर्ग लोग इसको जानते रहे, ऐसे समय पर हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश में देशभक्ति को कायम करने के लिए, मानवता इंसानियत को कायम करने के लिए, अमानवीय व्यवहार को ख़त्म करने के लिए जो कार्य किया, देश में कितने हजारों प्रेमियों ने गुरु महाराज के एक आवाहन पर अपने कष्टों को झेलते हुए जेल की यात्राएं की और उनके इस साहसिक कदम से गुरु महाराज की प्रेरणा, गुरु महाराज की दया से ऐसा अंधेरी रात जो था समाप्त हुआ। फिर देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार समाप्त हो गया था, लोगों के मौलिक अधिकार मिले, लोगों को अपने आज़ाद भारत में फिर से अपने मौलिक अधिकार को लेकर के आगे कदम बढ़ाने का समय मिल गया। आज वो इतिहास याद करा रहा है कि जब जब धरती पर ऐसा काम हुआ, देश गुलाम हुआ, तो इसी धरती पर वीर अशफाकुल्ला पैदा हुए, सरदार भगत सिंह पैदा हुए, राम प्रसाद बिस्मिल ने जन्म लिया और किसी महापुरुष के ही प्रेरणा से देश भक्ति में आगे निकल करके देश को फिर आज़ादी दिला करके और देश की प्रगति को किया। आज हम आप सब जितने भी लोकतंत्र रक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने अग्रणीय परम पूज्य उज्जैन के बाबा जी महाराज जो हमारे लोकतंत्र रक्षक भी रहे, उनके सानिध्य में आज ये सम्मान समारोह जो हो रहा है, इससे हम आप सब लोगों को फिर से वो भाव वो प्रेरणा लेना है कि जब भी देश के अंदर ऐसा कोई भी अनैतिकता का काम होगा तो हम सब के सब लोग महापुरुष के मार्गदर्शन में चल करके धर्म मानवता इंसानियत की स्थापना करने के लिए एक होकर के एक साथ रह करके और महापुरुष के आदर्शों में चल करके फिर हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, देशभक्ति की जज्बा को कायम करेंगे। इसी के साथ साथ अंत में हमारे यही केवल एक विचार आ रहे हैं कि आज लोकतंत्र रक्षक सम्मान समारोह के वक्त गुरु महाराज के चरणों में हम सभी लोकतंत्र रक्षक सेनानी की प्रार्थना है कि हम सब में देशभक्ति मानव भक्ति आत्मकल्याण के भाव को जगाकर और हम आप सब लोकतंत्र रक्षक का सम्मान प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसी के साथ आप सब बोलेंगे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपने अमूल्य वचनों से हमारा मार्गदर्शन करते हुए माननीय गुप्ता जी ने हम लोगों के सामने ये विधिवत बताया कि जब भी युगों युगों से इस धर्म भूमि में समाज में मानवता में कोई कमी आई है, किसी प्रकार का संकट जब बीच में उपस्थित हुआ है,
तो वक्त के महात्माओं ने ही देश को, समाज को, राज्य को नई दिशा दी है, नई चेतना का संचार किया है। आज भी परम पूज्य हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य गुरुजी महाराज हम सबके बीच प्रेरणा स्रोत हैं, और यहाँ उपस्थित इतना अपार जन समूह जो दो दिन से तमाम सुविधाओं सुख सुविधाओं का त्याग कर इस सम्मेलन का साक्षी बना, इस इतिहास ये गवाह है कि महात्मा आज भी वही प्रेरणा देने का काम हम सब लोगों को चाल चलन सुधार कर, खान पान सुधार कर यहाँ भी संभाल करते हैं, और जहाँ एक दिन इस देश और दुनिया को छोड़ करके जाना होता है वहाँ का भी पक्का सौदा यानी नाम धन की बरसात हम लोगों के ऊपर करते हैं। हम परम पूज्य गुरु जी महाराज और आज के मुख्य अतिथि बाबा जी महाराज के चरणों में सादर विनती करते हैं कि अपने आशीर्वाद, जिनके लिए सब लोग यहाँ आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं, अपने आशीर्वाद वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। परम पूज्य गुरु जी महाराज जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार हर कर देखो जरा, जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान तरस को तरस रहा, परसावो घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहा, सुरती भी गए अमीर सधार तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो दर प्यार घट उम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया,
के गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। जय सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष तद्दन मिश्रा जी, तुलसीपुर क्षेत्र के विधायक कैलाश जी, बलरामपुर क्षेत्र के विधायक पलटू राम जी, वर्तमान विधायक इस क्षेत्र के पांडे जी तथा अन्य ग्राम पंचायत न्याय पंचायत के अध्यक्ष, स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक अधिकारी कर्मचारी काश्तकार सत्संगी बच्चे बच्चियों, आज का यह समय और स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कार्य का इतिहास बनता है। आज ये लोकतंत्र रक्षक समारोह ये जो हो रहा है, सम्मान समारोह जो हो रहा है, इसका भी एक इतिहास है। ऐसे इस बुद्ध की तपस्वी भूमि श्रावस्ती में ये जो आप लोग इतने लोग इस कड़ी धूप में बैठ करके इस सम्मेलन को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, इसका भी आगे चल करके इतिहास बनेगा। देखो, इतिहास किसका बनता है? अच्छे और बुरे दोनों जब रहते हैं तब तुलना होती है कि अच्छा काम किसने किया, बुरा किसने किया, और बुराई का परिणाम क्या मिला, अच्छे लोगों को उसके बदले क्या मिला, यह है इतिहास में आता है। जैसे देखो, त्रेता में राम और रावण थे, द्वापर में कंस और कृष्ण थे, फिल्म में हीरो और साइड हीरो होते हैं, जो पढ़े लिखे हो आपको समझाता हूँ। अब ये देखो कि हमेशा जो साइड हीरो होता है उसकी हार होती है, जो दुष्ट होते हैं उनका संहार होता है, सज्जनों की ही रक्षा होती है, अच्छे लोगों को ही आगे मौका मिलता है काम करने का, नाम कमाने का। तो एक काला इतिहास, काला दिन वो भी था कि जब भारत के लोगों का अधिकार छिन गया था, मनमानी हो रही थी, पूरी देश की सत्ता एक के हाथ में आ रही थी, विधवा प्रधानमंत्री उस वक्त पर राष्ट्र प्रधानमंत्री थी, देश की पूरी बागडोर उसके हाथ में थी। मनमाना काम जब होने लग गया, अधिकार लोगों का छिनने लग गया, तो जिस तरह से अनि समझो कि भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए अंग्रेज तुल गए थे और अखंड राज्य करना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे को फेल करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आवाज़ लगा दिए थे। उस वक्त पर कोई ये सोच नहीं रहा था कि अंग्रेजों का सूरज डूबेगा और अंग्रेज इस हिंदुस्तान से जाएंगे,
लोग कहते थे कि उधर से लेकर अस्त तक अंग्रेजों का राज्य है, जहाँ से सूरज निकलता है अस्त होता है अंग्रेजों का राज्य है, इनको कौन हटा पाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब लोगों के दरवाजे पर जाते थे, लोग उनको खड़ा नहीं होने देते थे, उनकी बातों को सुनते नहीं थे। बहुत नज़दीकी हो हाथ जोड़ करके कह देते कि जाओ साहब, हमसे नाराज़ हो जाएगा, हमको सजा दे देगा, आप हमारे यहाँ से आप चले जाओ। लेकिन उनका मनोबल कम नहीं हुआ, जंगलों में जाते थे और आवाज़ लगाते थे, ऐ पेड़ पौधों, ऐ जंगल के जानवरों, मैं आज़ादी का दीवाना हूँ, देश को आज़ाद करा करके ही दम लूँगा। तो वो आवाज़ किसके पास पहुँची? वहाँ पहुँचती है। जब किसी का कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो जिसको प्रभु कहा गया, भगवान कहा गया, अल्लाह ताला पाक परवरदिगार कहा गया, गॉड कहा गया, वो सुनता है, वो रास्ता निकाल देता है। शुरुआत में जब घर बनाने को होता है, तब बुनियाद जब पड़ती है तो पता नहीं चलता है बिल्डिंग कितनी बड़ी बनी, लेकिन जो बनाने लग जाते हैं, मंजिल पर मंजिल खड़ी होती चली जाती है। ऐसे ही ये जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब निकल पड़े, किसी चीज़ की परवाह नहीं किए, केवल इनके अंदर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का जुनून सवार था। उस वक्त पर कोई भी इन्होंने जातवाद, भाईवाद, भतीजावाद, कौमवाद, ये इन्होंने नहीं देखा, और सबको छोड़ करके कफन बांध करके सिर पर मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, एक हाथ से सत्ता को यानी ले लेने के लिए, जनता के हित का काम करने वालों के हाथ में देने के लिए ये निकल पड़े। तो हमेशा अच्छे काम में मुसीबत आती है, परेशानियां होती हैं, परेशानी हुई, लाठी भी खाए, डंडा खाए, गाली खाए, इसी में लोकतंत्र सेनानी बैठे हैं। इतना उठाया बैठाया उस वक्त पर किसने? वो जो सत्ता के गुलाम होते हैं। सत्ता का गुलाम किसको कहते हैं? एक तो वही हाँ जी रहना, इसी गांव में रहना, हाँ जी कहना। आपको सरल भाषा में समझा दूं, गांव के लोग कहते हो, लगते तो हो भाभी, लेकिन डर के मारे चाची चाची कहता हूँ, है तो भाभी लेकिन चाची चाची कहने वाले कुछ ऐसे भी चाटुकार होते हैं, जो खुश करने के लिए अमले को अपना डंडा बरसा देते हैं। इतना उठाया बैठाया, इतना बूटों से मारा कि मैं भी गोंडा जेल में ही था, 1500 आदमी हमारे साथ थे। हमारे जाने के बाद वो लड़का आया, कम उम्र का था और बूट के निशान बड़े बने हुए थे। हमारे साथ जो उस समय जेल में थे, यहाँ होंगे, पूछ लेना कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो इन सब की कोई भी परवाह नहीं किया। इनमें ये जो बैठी हुई हैं देवियाँ, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जेलों में चली गई थी। उस वक्त पर तो इनको जुनून सवार था राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, और जब देश की आज़ादी खतरे में होती है, तब आदमी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है, इन सब से अलग हो कर के काम करता है। तो आज ये जो सम्मान समारोह हमारे प्रेमियों ने रखा, यह बहुत अच्छा लगा, और आज इन पुराने साथियों को देख करके मेरा मन भर गया, आँख में आंसू आ गए, और मेरे ही नहीं, कई लोगों के आँखों में आंसू आ गए। देखो, हम लोग सेनानी थे, हम लोगों को ऐसा जुनून था कि काम करके ही हम लोग दम लेंगे। तो आवाज़ लगाया गया, जब सब निराश हो रहे थे, कहा सकल अधर्म दिया कहीं विपरीता, और कहीं न सकहीं रावण भय पीता, रावण के भय से किसी की जबान नहीं खुलती थी। ऐसे उस समय पर व्यापारी लोग, जिनको भगवान मानते थे,
उनके फोटो के बगल में वो बेवा प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके रखा था कि उसके जो चमचे आवें, उसके जो आवें चाटुकार, देख करके खुश हो जाएं और हमको बाधा न डालें, हमारे काम में बाधा न डालें, हमको सजा से बच जाना पड़े। तो ऐसे समय पर प्रभु ने आवाज़ अन्य सुन लिया और समझो कि चुनाव की घोषणा हो गई। एक चीज़ आपको और बता दें कि देखो, हमेशा जो भी काम होता है वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही होता है। ये लोगों को नहीं पता है कि ये रूह, ये जीवात्मा कहाँ से जुड़ी हुई है। उस प्रभु से जुड़ी हुई है जो सबका सृजनहार है, जो सबको खिलाता, सबको देता है, उसकी जो व्यवस्था है उसी के अंतर्गत सब लोग हैं। इसीलिए देखो, जितनी भी चीज़ें बनाई उसने मनुष्य के लिए बनाई हैं, धरती, आसमान, हवा, पानी, सब मनुष्य के लिए बनाया है। नदी, नाले, पेड़ पौधे, ये सब किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया। हाथ, पैर, आँख, कान और आप समझो नाक, सभी के है। ये तो जात पात, ये तो जिला जवान, ये तो भाषा आदमी ने बना लिया है। तो उसकी तरफ से जो भी अनुसमझो व्यवस्था है, जो भी चलती है, मुख्य रूप से संचालक वही है और वो अपनी हस्तियों को भेजता है। जब नियो धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भोले भटके इंसानों पर रहमत की नज़र वो करती है। आपको समझने की ज़रूरत है, यदा यदा ही धर्म से बहुत सुने हो, जब जब हुए धर्म की हानि खूब सुने हो, भागवत भी सुने हो कि अठसो युग संध्याम दस्यु प्राय सुराजा तरह नाम निकल के जगतपति। तो शक्तियाँ आती हैं, उन्हीं शक्तियों में ये है जिनकी तस्वीर लगी हुई है। ये हमारे गुरु महाराज भी थे। जब महात्मा आते हैं, महापुरुष आते हैं तो परिवर्तन करते हैं, आमूल चूल परिवर्तन होता है। परिवर्तन किसको कहते हैं? बदलाव को कहते हैं। यह परिवर्तनशील संसार ही है, बदलाव यहाँ बराबर होता रहता है। लेकिन जब आप ये समझो कि कोई अन्य समझो कि ऐसी चीज़ है कि जो जल्दी हवा से नहीं हटती है और हटाना जरूरी होता है, तो तेज हवा दे करके उस चीज़ को उस जगह से हटा दिया जाता है। तो ऐसे ही महात्मा जो आते हैं परिवर्तन कराते हैं। अब गुरु महाराज को भी इसमें उसने बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि वो हित की ही बात करते थे, सबके हित की बात। सिया राम में सब जग ज्ञानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप ये समझो प्रेमियों कि जितने भी जीव हैं सब उसी के हैं। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर दया करता है। तो बच्चा को अगर मान लो फोड़ा हो जाए तो फोड़ा कटवाओगे नहीं, नासूर बन जाएगा, लेकिन काटने से नहीं देगा, पैर पकड़ के कटवाना पड़ेगा। अब काटते समय तो तकलीफ होगी, अब काटते समय अगर उसने मार पीट दिया, नोच लिया आपको, क्रोध आ गया आपको और आपने कटवाया नहीं उसको, तो समझो कि नासूर तो बनेगा। ऐसे कुछ चीज़ें खराब लग जाती हैं। तो गुरु महाराज भविष्यवाणियाँ किया करते थे, समझाते बताते, और जब नहीं मानते हैं महापुरुष तब अपना वो करिश्मा दिखाते हैं, वो ईश्वरीय शक्ति जो खुदाई ताकत है उसका इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखो प्रेमियों कि गुरु महाराज ने समझाया बताया, नहीं माने। कभी कई ऐसा भी होता है कि कोई बात बता दो और न माने, और तेज बोल दो, चुभने वाली बात हो, मान जाता है, डांट दो, फटकार दो, मान जाता है। तो गुरु महाराज कहा करते कि प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसी विप्लवकारी रेखा है कि जिससे बेगुनाह बेमौत लाखों लोग मारे जाएंगे। अब आप ये समझो कि गुनाहों की सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती है? कर्मों की सज़ा सबको मिलती है, सबका यही हाल होता है। दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप का काम है, दिल दुखाना गुनाहों में शुमार होता है। तो समझो जब दुखी हुए लोग चिथड़े उड़ गए,
करके गए थे, बहुत कुछ करके गए, किसके लिए, अपने औलाद के लिए, जो हर कोई करता है संतान के लिए, लेकिन कोई राज सुख का भोग कर पाया? सबकी अकाल मृत्यु, एक जैसे सबके छिछड़े उड़ गए, और उस बेवा के जाने के बाद देखो बेगुनाह, आप जानते होंगे जो पुराने लोग हो, बेगुनाह लाखों लोग मारे गए थे। तो इन सबसे वो चिढ़ गई और गुरु महाराज को 21 महीना जेल में बंद किया, 21 महीने बेड़ी और हथकड़ी में रहना पड़ा था। गुरु महाराज के जाने के बाद हम लोग भी, बहुत से लोग प्रेमी जो इसमें भी बैठे हुए हैं, कुछ तो उम्र के हिसाब से इस दुनिया से चले गए, क्योंकि नियम ही यहाँ का ऐसा है, जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है बुझती है, जो पैदा होता है मरता, चले गए बेचारे। तो आप ये समझो सब लोग गए थे, सब लोग गए थे, और सबकी आवाज़ उस प्रभु तक पहुँचने लगी थी, क्योंकि जेल में आदमी क्या कर सकता है सिवाय प्रार्थना के, क्योंकि बंद हो गया। यहाँ तो खूब हाथ पैर हिलाया गया, यहाँ तो खूब प्रचार हुआ, यहाँ तो आवाज़ में आवाज़ मिलाया गया, संगठित किया गया बाहर लोगों को कि भाई आवाज़ लगाओ तुम यानी इंसाफ के लिए, तो समझो कि लेकिन वहाँ क्या कर सकता था। तो सुनवाई हो गई, परिवर्तन हो गया, सत्ता ख़त्म हो गई। अब 23 मार्च को गुरु महाराज चूँकि जेल आए थे 77 में, जेल से बाहर निकले थे, तो मुक्ति दिवस का कार्यक्रम ये प्रेमी बराबर जगह जगह मनाते आ रहे हैं। अब के बाद मुक्ति दिवस के समापन के दिन 30 मार्च को उज्जैन में ये कार्यक्रम यानी समझो छोटे स्तर पर प्रेमियों ने यानी समझो आयोजित किया था, और उस समय पर मैंने कहा था भाई मुझे न तो अध्यक्ष बनना है, न मंत्री बनना है, न मुझे कोई राजनीति में जाना है, मैं तो समझो जो काम कर रहा हूँ, जो गुरु महाराज सौंप करके गए वो काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका सहयोग जो हो सकेगा करूँगा, आप लोग आगे बढ़िए काम करिए। प्रेमियों को खबर मिली, उत्साह जगह लोगों को कि यहाँ भी हमारे सम्मान समारोह हो जाना चाहिए। तो देखो ये सम्मान समारोह आपका ये संपन्न हो रहा है। अब आप आगे के लिए भी समझ लो, आगे भी अगर आप इस तरह का करोगे तो हम आपके सहयोगी रहेंगे। बाकी आप लोग जो भी अध्यक्ष हो, जो भी मंत्री हो, जो भी आप पदाधिकारी हो, जो भी अपनी पार्टी में हो, आप जहाँ हो हम आपको रोकते नहीं हैं, लेकिन रहा लोकतंत्र के रक्षक यानी समझो रक्षक यानी के लिए लोकतंत्र रक्षक सेनानी के लिए लोकतंत्र के रक्षा में जो लोग आप यानी समझो आगे बढ़े हो, आप लोगों का संगठन जैसे अभी पूर्व वक्ता खान साहब ने कहा है कि होना चाहिए इस तरह का, तो आप बना लो, हम आपको सहयोग करेंगे। और हम आपको सहयोग किस बात पर करेंगे? देश हित के नाम पर, जनहित के नाम पर, जीव हित के नाम पर। आप ये समझो कि नियम कानून देश का बना रहे, देशभक्ति लोगों में कायम रहे, उसके लिए हम आपका सहयोग करेंगे। पूरा सहयोग आपका तब तक होगा जब तक हमको जो गुरु महाराज से रूह को निजात दिलाने के लिए, जीवात्मा को अपने घर प्रभु के पास पहुंचाने के लिए जो मनुष्य शरीर दिए हैं और जो रास्ता हम बता रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उसमें आपकी जो गतिविधियां हों वो बाधक नहीं होंगी। उसमें आप सहयोग न करो लेकिन बाधा भी न डालोगे तो हम आपके साथ हैं। और लोकतंत्र रक्षक संगठन के हम साथ हैं, लेकिन हम एक बस केवल लोकतंत्र रक्षक ही बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि अध्यक्ष से हमारा पेट अब गया भर। अपने कॉलेज लाइफ जिसको कहते हैं, विद्यार्थी जीवन से ही कई जगह कई अध्यक्ष किया, अब हमको कोई अध्यक्ष नहीं बनना, आपको हमको तो लोगों ने मजबूरन धार्मिक जनहित की संस्था जो बनाया उसका अध्यक्ष बना दिया, हम उसी में डूब उतरा रहे। उम्र हमारी 74 साल की हो गई, कान से कम सुनाई पड़ता है, हाथ पैर ढीले हो गए, मेहनत हो नहीं पाती है, हम तो जो गुरु महाराज काम सौंप करके गए उसी को पूरा करने में अब थक जा रहे हैं, लेकिन थकावट हमको कहाँ से आती है,
ये आँखों के नीचे से इधर ये आँख कमज़ोर कान कमज़ोर जबान भी टुटलाने लगी साफ आवाज़ नहीं निकलती है हाथ पैर कमज़ोर हो गए लेकिन दिल दिमाग हमारा ठीक है दिल दिमाग हमारा तरोताज़ा है हम दिल दिमाग से आपके साथ हैं आप आगे बढ़ो और आप योजना बनाओ कि जिससे देश की तरक्की हो देश की उन्नति हो अच्छा काम जो करते हैं उनको सम्मान मिले उनको लोकप्रियता मिले उनको आगे बढ़ने का मौका मिले साथ ही साथ आपके दिल दिमाग बुद्धि और शरीर में जो क्षमता है आपको भी सेवा का मौका मिले और आपके बच्चों को भी उसका लाभ मिल सके अब देखो चाहे समाज की सेवा हो चाहे देश की सेवा हो चाहे रूह की यानी जीवात्मा की सेवा हो यह वही कर सकता है कि तन मन से साँचा रहे और सदगुरु पकड़े बाँ और काल कभी रोके नहीं देवे राह बताए अब इसका अर्थ समझा दें तन मन से जो सच्चा तन से भी सच्चा हो अब तन से तन में क्या है शरीर में क्या है मुँह है कहा झूठ बहुत बड़ा पाप है आप ये समझो कि जबान यानी जो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो किसी के काम ना आवे झूठी बात बता दो झूठा बोल दो तो झूठ कहीं काम आता है झूठ बोलने वाले को ही भूल जाता है जो बोलता है दो दिन बाद पूछो तो वही वैसे का वैसा नहीं बता पाता है दस दिन के बाद पूछो तो सही जो होगा वही बताएगा बाकी भूल जाए तो तन में जबान है ये जो है वो सच हो सताई रहा इसमें और जबान का स्वाद जिससे जीव की हत्या होती है जिसको आप बना नहीं सकते जिसके अंदर भी यही रूह यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है जब ये शरीर को पाने का मतलब नहीं समझ पाते जब ये समझते हैं खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है इसको जब नहीं समझ पाते हैं कोई मुर्शिदे कामिल कोई सच्चा गुरु नहीं मिल पाता है और इसी में समय निकाल देते हैं तो उनको बस खाने की ही चिंता रहती है इधर भी जवान का स्वाद मिल गया उनको ये नहीं देखना है कि इससे हिंसा होती है कि हत्या होती है कि हमको उसके दिल को दुखा कर हम लाते हैं लूट कर मार कर लाते हैं काट कर लाते हैं कैसे लाते हैं लाना चाहिए तब उसको सजा मिल जाती है उन्हीं योनियों में इन्हीं योनियों में डाल दी जाती है ये रूह ये जीवात्मा जो यहाँ बैठी है पूरे शरीर को यही चलाती है ये खुदा क्या समझो कि एक तरह से नुक्ता है ये समझो प्रभु का एक अंश है ये तो आप ये समझो कि इसको उसमें सजा मिल जाती है आप उसको बना नहीं सकते जीव को मारने के हकदार कहाँ से हो गए अरे भाई जिसको आप बना नहीं सकते हो खेत की जुताई नहीं कर सकते पेड़ को लगा नहीं सकते हो काटने के हकदार कहाँ से हो जाओगे और काटोगे पेड़ को तो जिसका पेड़ है वो सजा देगा नहीं देगा इसलिए रूहों पर रहम करना चाहिए जो रूहों पर रहम करेगा वही खुदा का प्यारा है जो समझो जीवात्माओं पर दया करेगा वही प्रभु का प्यारा है तो रूहों पर रहम जो करता है आप ये समझो रहमान उसके साथ रहते हैं प्रभु उसके साथ रहते हैं और जो यानी ऐसे नशे से दूर रहता है आप ये समझो कि जिसमें आदमी होश में नहीं रह जाता मान लो कोई अधिकारी हो कोई कर्मचारी हो कोई मंत्री मिनिस्टर हो और नशे में है और कहीं हमला हो जाए कहीं आग लग जाए कहीं कोई बात हो जाए तो कुछ मदद कर सकता है कुछ नहीं वो तो मस्त है जब नशा उतरेगा तभी कुछ कर पाएगा देश के लिए काम करने के लिए देखो कितना कितना लोगों ने त्याग किया वीरों ने बहादुरों ने भगत सिंह चंद्रशेखर रसपाकुल्ला खां राजेंद्र लाड़ी कैसे कैसे ठोकर खाए आप लोग जो बैठे हुए हो कैसे कैसे देखो तकलीफ झेले और समझो आज अब सम्मान का स्थान आपको मिला है गुरु महाराज की बात सत्य हुई कि समझो यही लखपेड़ा बाजार लखपेड़ा बाग बाराबंकी में है बाराबंकी के जो लोग इसमें आए हैं तो तीन चार जिला के लोगों को इन्होंने बुलाया है खंड सम्मेलन ये हुआ है अब कभी ये मन बनाए हुए हैं प्रांत स्तर का करने का पूरे प्रांत के लोगों को बुलाएंगे
तलक पेड़ा बाग में गुरु महाराज जेल से निकलने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम किए थे और कहा था कि इनके ऊपर जो लाठियां पड़ी हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये बच्चियां जो जेल चली गई हैं वह हमारे उसकी हमारे दिल में टीस बनी हुई है और इनकी एक दिन समय आएगा कि पेंशन बन जाएगी और देखो पेंशन बन गई। इस समय जो मौजूदा सरकार है उससे पहले जो सरकार थी उसने पेंशन बांध दिया। अब यह सरकार जब आई तो इन्होंने भी थोड़ा सा उसमें सहारा लगा दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। अब आप लोगों को मिलता है, पिछले कितना मिलता था अभी कितना मिलता है आप सब लोग जानते ही हो, जानते हो। बुढ़ापे का सहारा बन गया क्योंकि धन में ही मन लगा हुआ रहता है लोगों का। जब देखते हैं दादाजी के पास पिताजी के पास कुछ है रकम 20,000 मिलेगा तभी लोग पानी पिला पाते हैं, तभी दो रोटी बहुएं खिला पाती हैं। जमाना बदलता जा रहा है, ओ फटा पैंट पहनने वाली चड्ढी बनियान पहनने वाली बहुएं जब से घरों में ये बच्चे लाने लग गए तब से अब यही हाल मैं देख रहा हूँ। तो कम से कम अनी जेब का कुछ सहारा तो बन गया, जीने का सहारा तो बन गया, अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन ये लोग जो गए थे, हम लोग जो गए थे पेंशन के लिए नहीं गए थे, कफन बांध करके मुल्क की हिफाजत के लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब लोग गए थे। तो आपको मैं बता रहा था प्रेमियों कि यानी समझो कि काम वही कर सकता है जो शरीर को साफ सुथरा रखे, मन को साफ सुथरा रखे और नशे वाली चीज़ों से दूर रहे, जीवों पर रहम करे, दया करे, जिसके अंदर मानवता हो, जिसको इंसानियत कहते हैं, मानवता हो, इंसानियत हो, मानव धर्म जिसको कहते हैं, जो भगवान खुदा जिनको कहते हो, गॉड जिनको लोगों ने स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा है, उन्होंने जो धर्म बनाया है उस धर्म को जो धारण करता है वही कामयाब होता है। तवारीख बता रही, इतिहास बता रहा, आप उठा करके देख लो कि कहीं उनके अंदर किसी तरह की थी बात। देखो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल, उस समय देखो अशफाकुल्ला खां, उस समय पर आप देखो भगत सिंह, तीन जाति के थे कि नहीं थे, लेकिन सब एक साथ आगे बढ़े थे। जब ऐसी कोई आफत आती है, गांव में देखो रोटी अलग अलग खाते हैं, गांव में शादी ब्याह लोग अलग अलग करते हैं, रोज़ा नमाज अलग पढ़ते हैं, पूजा पाठ अलग होता है, लेकिन जब आग घर में किसी के लगती है तब कोई ये देखता है कि ये पंडित जी का घर है कि मुल्ला जी का घर है, सब बुझाते हैं। तो इसकी इस तरह से तैयारी होनी चाहिए आपकी और आज के दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए, जिस किसी भी देवी देवता भगवान को आप मानते हो, अल्लाह खुदा को मानते हो, आप गॉड को मानते हो, सबको ये प्रार्थना आपको करनी चाहिए कि वो दिन अब फिर ना आवे, वो इतिहास अब फिर ना दोहराया जाए। लेकिन समय बदलता है, कब क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता, तो कम से कम ये भाव अपने बच्चों के अंदर भरे तो रहो कि देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए आपको आगे मौका कभी आवे तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ने की ज़रूरत है। तो उनके खान पान और चरित्र को अगर आप सुधार लोगे और उनको अगर आप इस काम में लगाओगे तो आगे भारत देश का भविष्य अच्छा रहेगा। तो हमको तो आज ये कहना है, अब उसकी रूपरेखा आप लोग प्रेमियों बनाओ और हम आपके साथ हैं और आप आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे आपके रहेंगे। हम आपके जो भी हो सकेगा लोकतंत्र सेनानी, जो भी आप रचनात्मक काम करना चाहोगे, जो भी जिस तरह का संगठन मजबूत करना चाहोगे, अपने लोगों को एक करना चाहोगे, हम आपके साथ हैं। जो हो सकेगा दिल दिमाग बुद्धि से हम मदद करेंगे और हमारे प्रेमी भी जब हम कह देंगे तो ये भी मदद करेंगे। अरे करोगे? अब आप देख लीजिए, ये सब मदद करेंगे अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए। और नेक काम जो करता है, अच्छा काम करता है, उसी का नाम होता है, उसी की स्टैचू बनती है, उसी की पूजा होती है। देखो पिछले शासनों में कैसे क्या हुआ और ये जो शासन में बदलाव आया कुछ दिनों से, अब इसमें लोगों को बहुत से राहत की सांस मिल रही है। अब अगर मान लो इसी तरह से अगर ये रहे,
मैं भाई भतीजावाद, कौमवाद, एरियावाद, भाषावाद, आप इसमें अगर नहीं फंसे, देश हित में काम करते रहे तो समझो और अच्छा काम हो जाएगा। इसलिए समझो आप प्रेमियों कि आपको अब आगे कुछ बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि शरीर मेरा बूढ़ा हो गया, ऐसे इसमें हमसे भी कमज़ोर लोग बैठे हैं। मैं तो 6-6, 8-8 घंटा बैठ जाता हूँ, ये तो 2 घंटा 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, ये और कमज़ोर, ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें। लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन बूढ़ा नहीं होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मन कभी बूढ़ा होते नहीं, मनोबल अगर ऊंचा है तो आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। ताकत भले न रहे आगे बढ़ने की, लेकिन जब आवाज़ मनोबल ऊंचा करके लगाता है तब उसके पीछे लोग चल पड़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लोग वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह रहे थे आज़ाद करा लेंगे, आज़ाद करा ले, तो कितने तैयार हो गए पीछे चलने वाले, देश को आज़ाद करा दिया। ऐसे ही ऊंचा मनोबल करके आप जो है आगे थोड़ा पढ़ो, और जो कर सको इस दुनिया संसार से जाने से पहले यहाँ के लिए कुछ करके जाओ, ताकि आपका नाम कभी भी इतिहास भूल न सके, बल्कि पीछे का इतिहास जो कलंकित हो गया वो इतिहास आपके अच्छे काम के इतिहास के आगे आने समझो कि धुल जाए। ऐसा काम अपने लोगों को प्रेमियों करने की ज़रूरत है। तो जिनके पास जो दिल है, दिमाग है, बुद्धि है, जो योग्यता है, आपके अंदर जो ज्ञान है, इल्म है, उसका आप यानी इस्तेमाल करो, उसका प्रयोग करो और योजना बनाओ और देश हित में काम किया जाए, देश हित में काम करो। देखो हमारे गुरु महाराज का भंडारा है, ये 15, 16 और 17 मई में उज्जैन में होगा। विशेष परिस्थितियों में मुझे गुरु महाराज के पुराने आश्रम से जाना पड़ा था, आप बहुत से लोग जानते हो। गुरु महाराज का नाम न बदनाम हो जाए इसलिए मैं वहाँ से निकल करके गया था। तो वहाँ पर आश्रम बनाया उज्जैन में, प्रतिवर्ष वहाँ पर गुरु महाराज के याद में भंडारा किया जाता है। 3 दिन का यह कार्यक्रम वहाँ पर होगा, हम आप लोगों को वहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप लोग वहाँ पर आइए, वहाँ पर और लोगों को भी बुलाइए, जो हो सकेगा नमक रोटी का इंतजाम कर लिया जाएगा, सब लोग मिल करके कर लिया जाएगा, हमारे ये प्रेमी मिल करके, हम आप मिल करके इंतजाम कर लेंगे। उन लोगों को बुलाइए और वहाँ गोष्ठी करिए और अपनी योजना आगे की बनाइए, और इस लोकतंत्र रक्षक यानी समझो कि इस सेनानी समाज को आप आगे बढ़ाइए। हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप लोग तैयारी करो। और आप बच्चे बच्चियों जो सत्संग सुनने के नाम पर आए, बहुत से लोग तो सुन करके चले गए, नामदान लेकर चले गए, लेकिन देखने की इच्छा से आप लोग जो यहाँ पर आनी हो आप लोग भी तैयारी करो, और आप लोग भी लोगों को, इन लोगों को यानी आप समझो और लोगों को भी, प्रेमियों को जो प्रेम रखते हैं उनको आप लोग लेकर के वहाँ पर आओ। अब तैयारी वहाँ पर शुरू हो जाएगी, आप लोग कुछ लोग कार्यकर्ता तैयारी में वहाँ पहुँच जाओ और बाकी लोग समय से आएंगे तो आपको मैं निमंत्रण देता हूँ। तो देखो ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं, क्योंकि देखो ये कुछ प्रेमी अपने धूप में बेचारे खड़े हैं, तो अब ये सजा देना एक तरह से हो जाएगा। मोटी मोटी बात मैंने आपके सामने रख दिया, और जो लोग भी इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किए हम सबके आभारी हैं। हमारे कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जनहित का काम करते हैं, जनता ने जिनको चुन करके भेजा है, वो लोग पहले से भी इसमें लगे हुए हैं। हमारे समझो कि ये मिश्रा जी, चंदन जी, आप समझो आप ये पलटू राम जी जो विधायक हैं इस समय बलरामपुर के, और समझो आपके एनौन के विधायक विनय जी, ये लोग तो पहले भी देख रेख के लिए, ये हमारे आप समझो न्याय पंचायत के, जिला पंचायत के, ये जो अनि समझो कई लोग वरिष्ठ लोग पहले भी आ चुके हैं,
देखने के लिए, व्यवस्था के लिए, और कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक या जैसे भी रहा है समझो कि इसमें सबका योगदान रहा है। अधिकारियों ने कर्मचारियों ने बहुत मेहनत किया, मैं देखा हूँ कि धूप में ही हमारे साथ साथ ये पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी ये सब लगे रहे। अधिकारी लोग भी देखो बहुत सहयोग किए। अब हम उन लोगों के भी का भी आभार प्रकट करेंगे, सभी लोगों का आभार प्रकट करेंगे कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया। हमारे जो प्रेमी कार्यकर्ता हैं इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किए, दिन रात बेचारे लगे रहे, दो बात भी सुनते रहे लेकिन डटे रहे अपने मोर्चे पर, और फिर हम सबके आभारी हैं और आप प्रेमियों के भी आभारी हैं। बराबर आप लोग प्रेम बनाए रखना, दिल में मोहब्बत की जगह बना लेना, हम तो आप सब लोगों को याद करते ही रहेंगे, कभी कभी आप लोग भी याद कर लिया करिएगा। तो बोलिए जय गुरुदेव। तो अभी और कोई बात तो नहीं करनी है, और किसी को कुछ कहना हो है? अच्छा, तो अब हम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते हैं। जय गुरुदेव नाम, जो नए लोग आप आ गए हो सुनने के लिए देखने के लिए, उनको बता दें इस समय का जीता जागता प्रभु का नाम है। जैसे पीछे महापुरुष लोग आए एक नाम को जगाए, ऐसे ये जय गुरुदेव नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। जय गुरुदेव नाम बोलने से संकट में आराम मिलता है। वो नाम जिससे सारा संसार बना, दुनिया बनी, वो जो नाम गुरु ने बताया, वो तो नामदान में आपको बताया गया है, उसका सुमिरन ध्यान भजन आप सब लोग करते रहें। लेकिन जय गुरुदेव नाम ये भगवान प्रभु का नाम है। मुसीबत में तकलीफ में आप बोल सकते हो, कोई तकलीफ किसी भी तरह की हो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके तकलीफों में आप आराम पा सकते हो। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि मैं बोलूँगा और उसके बाद ये कार्यक्रम सम्पन्न हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और मैं भी अभी थोड़ी देर के बाद में यहाँ से निकलूँगा। इधर रास्ते में रुकता हुआ बावल की तरफ जाऊँगा, जहाँ गुरु महाराज का चिन्ह बन रहा है, जिसको आप मंदिर कहते हो, उनके यादगार में जो आप बना रहे हो, उधर मेरा जाने का विचार है। तो उधर मैं जाऊँगा, आप ये समझो, आप लोग भी अपने हिसाब से अब अपने अपने गंतव्य स्थान पर प्रस्थान कर देना, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।